नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी धूम मचा रही है। यात्रा को राज्य में लगातार लोगों का साथ मिल रहा है और ये यात्रा पलवल पहुंची, जहां यात्रा के जरिए पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। पलवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव तुमसरा पहुंची। इस रथ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बीजेपी जिला सचिव सुनील कुमार ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड और पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ये अच्छी पहल है, जिसके अंतर्गत एक ही छत के नीचे लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम पंचायत तुमसरा होडल विधानसभा में पहुंची और मैं संयोजक होने के नाते सुनील ठेकेदार होडल से मैं इस यात्रा में आया और यहां पर मैंने देखा लोगों ने अपने हर डिपार्टमेंट के द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा पहुंचाया जा रहा हो, चाहे लोगों को उनके फैमिली आईडी में करेक्शन हो, चाहे पेंशन डिपार्टमेंट का कोई दिक्कत हो, चाहे पब्लिक हेल्थ के द्वारा शुद्ध जल, हर घर नल और हर नल से जल, इस तरीके से और स्वास्थ्य सेवाएं भी हर आदमी को उसका चेकअप किया जा रहा है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, हर तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिजली विभाग में कार्यरत एसडीओ जगदीप रोहिल्ला ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को बिजली विभाग द्वारा चलाई गई अंत्योदय स्कीम के तहत सरचार्ज माफी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। योजना के अनुसार दो या दो से ज्यादा डिफॉल्टरों का सरचार्ज माफ किया जा रहा है और केसों का निपटारा हो रहा है। विकसित भारत की जो यात्रा चल रही है, जो कैंप लग रहे हैं, उनमें हम अंत्योदय स्कीम के अंदर सरचार्ज माफी की जो योजना चल रही है उसमें हम लोगों को बता रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी दो या दो से ज़्यादा डिफॉल्टर हैं उनके हम सरचार्ज माफ कर रहे हैं और मैक्सिमम 3600 रुपये लेकर उनका निपटारा कर रहे हैं और जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं उनके अंदर असेसमेंट जो है वो 3600 रुपये मैक्सिमम ले रहे हैं और कंपाउंडिंग पूरी हो रही है। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की है। उनका कहना था कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां दूर हो रही हैं। इस मौके पर लोगों ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधा मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। यहाँ पे जी ये बुजुर्ग पेंशन के बारे में जानकारी मिली थी, इस तरह से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जाके वहाँ जानकारी लो, हो सकता है वहाँ आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये हम आए तो हमको जैसे जैसे बताया तो मैं अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ तो यहाँ 5 मिनट के अंदर मेरे काम हो गया। क्या काम कराया आपने? काम यही है जी, जो कागजात उन्हें फॉर्म भरा है, जो आधार कार्ड मांगा है वो आधार कार्ड दे दिया, बाकी जो कागजात थे उनको दिखा दिए, बाकी जो कह रहे ठीक है जी। आप कितनी देर लगी? ज़्यादा 5-7 मिनट लगे होंगे। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की आपको? देखो ये कैंप तो जगह जगह लग रहे हैं, एक दूसरे जगह जाने से पता लग ही जाता है भाई इसके मामले में कैंप लग रहे हैं, थोड़ी आप वहाँ देखो जानकारी लो, तो हमें जानकारी मिली तो इसलिए हम आ जाए यहाँ। क्या कहेंगे सरकार जो ये काम कर रही है? नहीं है, सरकार ऐसा काम करेगी तो बहुत अच्छा काम है, तो गरीब लोगों के बोलिए बहुत फायदा है। अच्छा अब लाभ मिलेगा सरकार? बिल्कुल जी, ऐसी सरकार आएगी तो कोई परेशान नहीं रहेगा, इससे बहुत लाभ होगा गरीबों के लिए। क्या चाहिए भाई, टाइम पे उनका जो बनता है, जो
मिल जाए तो इससे क्या सरकार तो ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है और बहुत ही अच्छा है क्योंकि सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है वहाँ पे, घर के पास में रह के एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। क्या काम कराया आपने? हमने आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है और अच्छा है, इजीली हो गया और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, सो आई थिंक। कितना उसमें देरी लगी होगी और उससे पहले कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे कि नहीं हो पा रहा था काम? नहीं, पहले तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, बट अभी यहाँ पे तो घर के पास ही है और 10 मिनट के अंदर सारा काम हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी का जो रथ है आज आप यहाँ पहुँचा है, काफ़ी लाभार्थी पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार के लिए, किस तरह का धन्यवाद? सरकार का तो बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि हर जगह हम देखते हैं बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सेक्टर्स की भी बहुत अच्छी सेवा करी जा रही है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच। भाई सरकार तो जैसा ये काम कर रही है इससे बहुत फायदा है आम जनता को, क्योंकि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आई है अपना काम देने के लिए, दिखाने के लिए। जो काम हमें लाइन में लग के दफ्तरों में कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और वो आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन यहाँ पर काम हो रहे हैं, तो जो कामकाजी लोग हैं जो हफ्ते में छुट्टी नहीं कर सकते उनका भी आज काम हो रहा है। और ये आदरणीय अजय गौड़ जी के प्रयत्नों से और माननीय श्री नरेंद्र गुप्ता जी के प्रयत्नों से जो काम चल रहा है ये बहुत प्रशंसनीय है। क्या काम कराने आए हैं आप? मैं तो बस देखने आया था कि आम जनता का काम किस तरह से हो रहा है, मुझे अपना व्यक्तिगत काम नहीं था, और ये भी देखने आया था कि जितना ये प्रचार प्रसार हो रहा है ये वास्तविकता है कि प्रचार ही है, तो मैंने पाया कि ये वास्तविकता है और मुझे यहाँ का काम देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। बहुत फायदा मिल रहा है, काफी भीड़ लगी होती है डेली, लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, आधार कार्ड भी, अगर उनको नए कार्ड भी बन रहे हैं, और जो लोग ठीक करवाना चाह रहे हैं गलत है वो भी सब हो रहा है, काफी मतलब बहुत ज्यादा जिसे कह लो कि लाभ उठा रहे हैं। उज्ज्वला का भी है, लोगों को गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं और सारी ही सुविधाएं दी जा रही हैं जिस जिसका ये कैंप लगा है, देख रहे हैं 5-6 दिन से कंटिन्यू जो है कैंप लग रहे हैं और सब जगह से इतने लोग काम देख रहे हैं कि जन जन के लोग जो है गरीब सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार के जीरो बैलेंस खाते वाले जी बहुत अच्छा काम कर रही है, कितना खुश है लोग अपने कामों को, हाँ काफी खुश है, आप देख ही रहे हो कितना रश है, काफी लोग करवा के चले गए हैं और काफी आई है। राशन कार्ड के लिए मैम बैठी हुई है यहाँ पर, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं उनको। सरकार तो देखो फायदा ही दे रही है, सब कुछ कर रही है सरकार, जिस तरीके से काम कर रही है आगे भी कर दी, कुछ जनता को भी करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्ते को और मजबूत कर रही है, लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है, वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। पेंशन बनवाने के लिए आए थे, काम सारा हो गया है, डॉक्यूमेंट सारे दे दिए हैं, सत्यापित के लिए वो हो चुका है और हमको बताया गया है कि 1-2 महीने में तुम्हें मिल जाएगा। तो सरकार द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं, कितना लाभ मिल पा रहा है लोगों को? लोगों को सबको लाभ मिल रहा है, लेकिन मुझे तो उम्मीद पूरी पूरी लग रही है कि मेरा हो जाएगा काम। आज जो कैंप लगाया है वो कहाँ लगाया है, कौन सी जगह है और कितना लाभ आपको मिला है? ये सरपंच चौक है और जो मुझे फोन द्वारा बुलाया गया तो इसलिए मेरा सारा काम हो गया है। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ ले रहे हो, कितना धन्यवाद करोगे सरकार का? धन्यवाद तो ये है, आज तो मेरा सारा काम हो गया है, जब हाथ में पेंशन आ जाएगी तो पूरा पूरा धन्यवाद करेंगे, लेकिन अभी तो करीब है, जब पूरा काम हो जाएगा तो पूरा धन्यवाद। जी जो सरकार करा रही है बहुत ही ज्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफी परेशानी होती है, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कभी कुछ होता है, तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं, यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं कैंप लगवाए हैं ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। आज आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ करा रहे हैं? जी मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है तो मैं
फिलहाल बेरोजगार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपने लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की दया से चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं चाहूँगी कि सरकार को टाइम टाइम ये करता रहना चाहिए ताकि हर एक गरीब को, हर एक जिसको ये फैसिलिटी नहीं प्राप्त होती उसे प्राप्त हो सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर मिल रही है। वहीं लोगों की परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां भी दूर की जा रही हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर अपलोड सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है। इस दौरान आम जन को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कई विभागों के द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। लाखों लोगों ने भारत सरकार और पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए किसी को घर मिला तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं। वहीं हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और लाभ लेने वाले लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधाएं लेकर आई कि उन्हें घर घर जाकर सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर लाभार्थी महिलाएं और पुरुष बता रहे हैं कि उन्हें न केवल उज्ज्वला योजना के तहत मौके पर ही गैस सिलेंडर का कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया, बल्कि आयुष्मान कार्ड से लेकर फैमिली कार्ड आदि अन्य कई ऐसे काम हुए जिनको कराने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। ये सोचने की बात यह है कि आखिर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि जब 2047 में हमारे देश की आजादी की 100 साल मनाई जाए तो हमारा देश एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक विकसित देश के रूप में विश्व में जाना जाए। और उसके लिए उन्होंने जो दो तीन बिंदुओं पे जोर दिया है, उनका मानना यह है कि हमारा देश विकसित तभी होगा जब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के गरीब और हमारे देश के किसान, उनके जीवन में बदलाव आएगा। जी, आप सब मेरे से कहीं ज़्यादा वरिष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा प्रबुद्ध हैं। जी देखिए, 75 साल में तमाम पार्टियों की सरकारें बनी, मगर मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, कार चल के आपके गांव आई है, ये भारत देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और इसके पीछे ध्येय क्या है? ध्येय जी एकमात्र है कि आप सबके आशीर्वाद से 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने
और अनवरत 2014 से लेके आज 2023 9 वर्ष बीत गए, उनकी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसके केंद्र बिंदु में अगर कोई रहा है तो वो ग्रामीण अंचल के शोषित वंचित पिछड़े माताएं बहनें और किसान रहा है। गाजीपुर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की, तो वहीं गाजीपुर जखनिया विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि अभिनव सिन्हा ने कहा कि देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जीवन दायिनी बनकर आई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा और तमाम प्रयासों के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह गए। गत 15 नवंबर 2023 जो कि बिरसा मुंडा जी का जयंती होता है, उस दिन रांची से प्रधानमंत्री जी ने देश में आह्वान किया कि 15 नवंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जाए और देश के प्रत्येक ग्राम सभा में सरकार के प्रतिनिधि सरकार के कर्मचारी पहुंच के इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी पात्र व्यक्ति है और जिनको अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको चिन्हित करके इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया, वहीं गरीब लोगों ने सरकारी सुविधाओं का जमकर लाभ उठाया। लाभार्थियों का कहना था कि यहाँ कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ हो रहे हैं। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की और लोगों का कहना था कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में जो त्रुटियां थीं वो दूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।